मैं सुबह किचन में खाना बना रही थी, तभी चीता जैसा कोई दिखा। मैंने सोचा कोई भेष बनाकर आया होगा, लेकिन जैसे ही गुर्राने की आवाज सुनी तब मैं चिल्लाई। घर में मेरे साथ मेरी 1.5 साल की एक बच्ची, सास और ननंद थी। मेरे ससुर और पति दोनों क्रिकेट खेलने गए हुए थे। 2.5 घंटे तक हम घर पर बंद रहे। जब वन विभाग की टीम ट्रैंक्विलाइज करने के लिए आ गई, तब जान में जान आई। ये आप बीती है उदयपुर शहर के सेक्टर 14 के सुहालका भवन के पास रहने वाले अर्जुन डांगी के परिवार की। सुबह 7:30 बजे घर में लेपट घुसा तो सबसे पहले उनकी बहू नित्या पटेल ने देखा। परिवार को जब पता चला कि घर में लेपट घुस गया है तो सब डर के एक कमरे में आ गए। 2.5 घंटे तक परिवार 1.5 साल की एक बच्ची के साथ कमरे में बंद रहा। आखिर 10 बजे लेपट को ट्रैंक्विलाइज किया गया और उसे ले जाया गया। नित्या पटेल ने बताया कि मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा कि कोई बहरूपिया होगा, लेकिन जब तेज से गुर्राने की आवाज आई तब मैंने लेपट को छत की सीढ़ियों पर चढ़ते देखा तो डर से आवाज भी नहीं निकाली पाई। मैंने तुरंत अपनी सास जमुना देवी को बताया कि घर में चीता आ गया है। तब एक लेपट सीढ़ियों के ऊपर जाकर बैठ गया था। हम सभी चिल्लाने लगे तो वे नीचे की तरफ आया और हम सबको घूरने लगा। मैं, मेरी सास, मेरी ननन और हमारे साथ हमारी 1.5 साल की एक बच्ची को लेकर हम दौड़कर कमरे में आ गए और अपने आप को बंद कर लिया। इसके बाद पति शुभम को कॉल भी किया। जमुना देवी ने बताया कि घर का मेन गेट खुला हुआ था। मैं बाहर कचरा डालकर वापस घर में घुसी रही थी। जैसे ही घर में अंदर घुसी तो पीछे से गुर्राने की आवाज सुनाई देती। तब तक लेपर्ड मेन गेट से होता हुआ सीढ़ियों पर जा चुका था। इतने में ही बहू नित्या ने आवाज लगाई कि माँ, घर में लेपर्ड आ गया है। मैंने घर में घुसते ही सभी दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद बेटे और आसपास के पड़ोसियों को फोन भी किया कि घर में लेपर्ड आ गया है, आप इधर उधर मत आना। अर्जुन लाल डांगी ने बताया कि अगर मेरी बहू को लेपर्ड सीढ़ियों से चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता तो किसी को भी नहीं पता चलता, क्योंकि मेरी पत्नी जमुना ने कपड़े धोए हुए थे और वे कुछ देर में छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाने ही वाली थी। डांगी ने बताया कि मैं और मेरा बेटा शुभम तीतरडी में क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे। मैं फील्डिंग कर रहा था तो अपना मोबाइल अपने एक साथी को दे रखा था। मेरे साथी ने कॉल रिसीव किया और वो दौड़ता हुआ मेरे पास आकर कहने लगा कि आपके घर में लेपर्ड घुस आया है। पहले तो मैंने मजाक समझा, लेकिन जब बहू से बात की तो उसने बताया कि घर में लेपर्ड आ गया है और हम घर में बंद हैं। मैदान से ही मैंने मेरे दोस्तों और वन विभाग की टीम को कॉल भी कर दिया था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही 8:20 पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस बीच अर्जुन और शुभम भी घर पहुंच गए थे। आसपास में जैसे ही लोगों को पता चला कि लेपर्ड आ गया है तो लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। वन विभाग की टीम ने मेन गेट पर 4-व्हीलर लगाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया था और गाड़ी के ऊपर चढ़ छत के रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया था ताकि लेपर्ड छत से कहीं जा ना सके। इस बीच बाहर से खिड़की पर ट्रैंक्विलाइज की कोशिश की गई। वहीं लोगों की आवाज सुन लेपर्ड बरामदे में रखी स्कूटी के पास छिपकर बैठ गया था। करीब 4 शूट पर लेपर्ड को सुबह 10 बजे ट्रैंक्विलाइज किया गया। पैच इसके बाद टीम उसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले गई।